सत श्री अकाल जी सारे किसान वीरां नूं। अज मैं तुहानूं मित्रा कंपनी वल्लों इस वीडियो दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करदा जी। मित्रा कंपनी जिहड़ी कि हर तरह की फसल लई लाहेवंद है, जिहड़ी कि हर तरह की स्प्रे करन लई लाहेवंद है। मित्रा कंपनी की अजिही मशीनों विचों एक मशीन दा मैं तुहानूं अज पूरी तरह दसना चाह रहा, एरोटेक 1500 लीटर मशीन। तुहानूं इहदे नाम तों ही जजमेंट हो रही होएगी कि यह मशीन 1500 लीटर की है, ठीक है जी। सो एरोटेक 1500 लीटर इस मशीन को चलाने लई सानूं 40 HP का ट्रैक्टर चाहिए जी। उस तो बाद PTO ओपरेटेड अगर आप गल करिए, PTO ओपरेटेड असी इहदे च वाइड एंगल PTO शाफ्ट यूज़ करते हैं जी। वाइड एंगल PTO शाफ्ट यूज़ करन दा कारण यह है कि इहदे विच जदों आपां एक रो कंप्लीट करन तो बाद अगर जदों आपां टर्निंग करते हैं, आम मशीनों विच की हुंदा है कि उधर आपां टर्निंग करन लग्गे आपां PTO शाफ्ट बंद कर देंगे। वाइड एंगल का फायदा यह है कि यह 90 डिग्री एंगल से मशीन टर्न आप कर सकते हैं, तो आपू बंद करने की भी जरूरत नहीं है। उस तो बाद अगर आप गल करिए इस तो अगर चेन कपलिंग आप एक दिती हुई है, चेन कपलिंग का फायदा यह है कि जदों भी आप ट्रैक्टर के पिछले मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी तरह के जर्क्स एंड शोक्स जेडे कि पिछे तक जाते हैं। चेन कपलिंग का फायदा यह है कि जोड़े जर्क्स के शोक्स पिछे जाते उन्होंने झटका लगन तो बचा है चेन कपलिंग, इस करके आपू यूज़ किया हो। इस तो अगे अगर आप गल करिए अपने पंप की, आपडोर कंपनी का 75 LPM का पंप यूज़ करते हैं जी, वो भी डायाफ्राम पंप यूज़ करते हैं। इन जगह असी STP पंप भी यूज़ कर सकते सी, बट डायाफ्राम पंप यूज़ करने का फायदा यह है कि इन एक बिल्कुल ही स्ट्रेट फ्लो है। STP पंप की गल करिए उनका स्ट्रेट फ्लो नहीं है, उनका एक पल्स सैटिंग फ्लो है, ठीक है जी। पंप तो बाद अगर आप गल करिए टैंक की, यह 1500 लीटर का मेन टैंक जिंदे विच आप कोई कैमिकल यूज़ करते हैं, एसिडिक हो गया या कोई भी हो गया, इनके अंदर यह प्रोपर कि एंटी कोटिंग टैंक है जी। ये प्रोपर अंदरों ये रिएक्शन होने तो बचाता है आपस में दवाइया का या टैंक के नाल कोई भी दवाइया का। अगर आप इनकी गल करिए पिछले कि आप रिंसिंग टैंक यूज़ करते हैं जी, रिंसिंग टैंक का यह होंगे मान लो आप कोई भी स्प्रे कर लीए, हूँ आप कोई होर कोई दवाई पाने तो बाद आप स्प्रे करनी चाह रहे हैं, अपन टैंक में नैचुरली गल वॉशिंग करनी पेगी। वॉशिंग करने से अपना एक रिंसिंग टैंक दिता हुआ है जी, 115 लीटर का टैंक। इस टैंक का फायदा यह है आप मान लो उन टैंक के अंदरों वॉशिंग कर ली, आप नोजलों की भी सारी वॉशिंग कर ली, उस बाद आप दवाई पा के अपनी यूज़ कर लिया। दूसरा इनका फायदा यह है रिंसिंग टैंक का कि आप इस 115 लीटर पानी आप एज ए स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो कि आपना बगीचे आप स्प्रे कर रहे हैं, अपना 1500 लीटर का टैंक खाली हो गया, अपने एक रो हले भी पेंडिंग है, हूँ अपना मान लो पानी भरने थोड़ा सा दूर जाना है, आप उनके होएगा जी आप 115 लीटर के पानी नू अपने मेन टैंक में लैके विच कैमिकल पा के आपू एज ए स्प्रे यूज़ कर सकते। उस तो बाद आप गल करांगे इहदे हैंडवॉश टैंक, इत्थे आप एक छोटा हैंडवॉश टैंक यूज़ कर रहे हैं जिदा अपना हाथ धोण दे सिंपल काम आंदा है जी। उस तो बाद अगर आप गल करिए अपना पूरा है जी एयर कन्वेयर सिस्टम। एयर कन्वेयर सिस्टम के आप सब तो पहला मैं तुम्हें दसना चाहवागा गेयर बॉक्स के बारे। ये अपने गेयर बॉक्स के 3 गेयर ने जी, 2 फॉरवर्ड एक न्यूट्रल, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स तो एक न्यूट्रल। हूँ अगर आप गल करिए कि इन्हें यूज़ कितना करना है, मान लो कि अपना बाग काफ़ी संघना है जी, हवा तेज़ चल रही तो आप हाई गेयर से यूज़ करा, ठीक है जी। न्यूट्रल आप गेयर तब तो उदो यूज़ करते हैं जदों के अपनी फ्लावरिंग स्टेज हो। फ्लावरिंग स्टेज किदा होंगे, हम हवा का प्रैशर जाता है अपना उन्हें लगता है तो फुल नीचे गिर जाते हैं हवा ना, बट इनका की है इनके फुल नीचे नहीं करते। न्यूट्रल तो आप जो यूज़ करते हैं लोग यार आप उदो यूज़ करते हैं कि जो कि डेंसिटी ये घट हो, हवा की जी वेलोसिटी वो घट हो, यूज़ करते हैं जी। उस तो बाद अगर आप गल करिए फैन की, आप 712 mm का फैन यूज़ करते हैं जी। उस तो बाद अगर आप हवा के प्रैशर की गल करिए, इच्छू हवा इधरों बनन तो बाद पिछे आप इनलैट वेन्स यूज़ करते हैं। इनलैट वेन्स का सिस्टम इदा है कि यह जी हवा का प्रैशर एक इक्वल तरीके पिछे तक भेजता है, पिछे तक भेजन तो बाद जिहड़ियां इत्थे असीं एक काउंटर फिन्स भी यूज़ करते हैं। काउंटर फिन्स जी पिछे हवा आने तो बाद बराबर नोजलों के उपर यह बाहर कढ़ता है। नोजल की गल करिए इत्थे असीं एक अराक कंपनी के नोजल्स यूज़ कर रहे हैं, जिहड़े कि दो इहदे बड्स ने 0.8 ते 1.0 mm। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब में इनू देखो आप चेंज कर सकते हैं जी।
इस तो बाद अगर आप चाहे आप 1.08 कर लीए चाहे आप 1.0 कर लीए ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब नाल है। इस तो बाद पिछे जी आप 4 हाइड्रागन यूज़ कर रहे हैं। इनके प्रैशर की अगर आप गल करिए तो इस मशीन का प्रैशर की हाइट लगभग 24-25 फिट तक कवर करता है जी। ये अगर आप इन साइडों की गल करिए 14-15 फिट तक यह कवर करता है जी। उस तो बाद अगर आप फिल्टर की गल करिए साढ़े बीच लाइन फिल्टर ने जी ये साढ़े है अगे सक्शन फिल्टर। सक्शन फिल्टर का फायदा यह है कि यह 50 मैश तक के जो पार्टिकल्स ने उन्होंने क्लीन करता है जी तो पानी साफ करके अगे तक भेजता है। अगर आप लाइन फिल्टर की गल करिए 80 मैश तक के जो पार्टिकल्स ने उन्होंने ये क्लीन करके तो पानी साफ सुथरा करके अगे भेजता है। ठीक है जी। हुण उस तो बाद अपने एक सब तो जो मेन पार्ट मशीन का वह है जी कंट्रोलर। साडा मशीन का मेन पार्ट है जी कंट्रोलर। इन बारे मैं तुम्हें थोड़ा दस देना चाहना जी। कंट्रोलर का जी सिस्टम इदा इन्दे 5 मोड कंट्रोलर है जी। जिहड़ा इन्दा फस्ट मोड है वह है जी बाईपास मोड। बाईपास मोड का मतलब इदा है जी आप मशीन ऑन कर लिया जी मेन टैंक चो पानी चक के उस बाद बाईपास करके चला जाता है जी। जिहड़ा दूसरा मोड है जी अपना प्रैशराइज मोड है। प्रैशराइज मोड का मतलब यह है कि आप किस प्रैशर के उत्ते आप नोजल चो पानी बाहर कढ़ना है। ठीक है जी। 40 बार तक का प्रैशर अपने अलाउड आप 40 बार तक प्रैशर कर सकते हैं जी। तीसरा मोड है जी LH साइड। LH साइड का मतलब यह है कि मशीन की आप सिर्फ LH साइड को ऑन करांगे LH साइड नोजल्स ही चलनगियाँ RS दी बंद रहनगियाँ। चौथा मोड है जी बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब है जी अपना लैफ्ट तो राइट दोनों साइड नोजल्स बराबर चलनगियाँ जी। फिर अपना फिफ्थ मोड है जी RH साइड। RH साइड अपना सिर्फ RH साइड चलेगी LH साइड बंद रहेगी। सो ये अपने मशीन के सारे पार्ट्स जिदा मैं तुम्हें बखूबी तुम्हें दस दिता है। एक मैं तुम्हें दसना चाह रहा हाँ जी टैंक के अंदर इनका बास्केट मिक्सचर। सब तो इनका जो वधिया सिस्टम है जी इनका बास्केट मिक्सचर है जी। तुहानू इनके अंदर दवाई पाने तो बाद किसी भी रोड नाल या किसी तरीके नाल तुहानू हिलाने की मिक्स करने की जरूरत नहीं है। इनके अंदर पानी या दवाई पाने तो बाद अपने आप ही अंदर मिक्स करती रहती है जी। तो एक इनका होर फायदा यह है जी मशीन दे विच आपां जदों स्प्रे स्टार्ट करते हैं जी इनकी फस्ट बूंद जिदा भी मतलब विस्कस आती है उ मशीन के स्प्रे की लास्ट बूंद भी उदा दी आती है। इनका फायदा यह है जी मिक्सर का एजीटेटर्स का किसी भी दवाई इनके नीचे सैटल नहीं हो दिता प्रोपर अंदर अंदर मिक्सिंग चलती रहती है। ट्रैक्टर की वर्किंग कंडीशन दे विच अपनी स्प्रे उदा ही अंदर घुलती रहेगी। अगर आप टायर की गल करिए अपने ये 3-way एडजस्टेबल टायर्स ने जी आप इनकी ट्रैक विड्थ वध भी कर सकते हैं तो घट भी कर सकते हैं जी। दूसरा मोड इनका है जी इनकी आप हाइट 2 इंच उपर भी कर सकते हैं 2 इंच नीचे भी कर सकते हैं जी। तीसरा मोड है कि आप अगे तो पिछे भी कर सकते हैं जी। सो इनका मतलब यही है कि 3-way एडजस्टेबल टायर ने। सो यही जी अपनी एरोटेक 1500 लीटर की मशीन जिन बारे मैं तुम्हें लगभग सारा कंप्लीट दस दिता है जी। ये अपनी बागों के लगभग किन्नू के बाग हो गए या अमरूद के बाग हो गए या उदा के बाग हो गए जिन्ह की हाइट लगभग भी 24-25 फुट तक है उन्हों की जी ये 101% प्रोपर कवरेज करता है जी। ना इन आप लेबर की जरूरत है ना कोई आपको कोई होर सब तो वीडी जी इनकी दवाई की बचत करता है ये फ्यूल की बचत करता है। सो थैंक यू वेरी मच जी।